नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, आय के लिए, व्यय के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। अप्रैल के महीने में तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र जो है 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि को छोड़ करके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य जो है 14 तारीख से मेष राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव को छोड़कर, मीन राशि को छोड़कर आपके विवाह भाव में, सप्तम भाव में उच्च राशि में सूर्य का गोचर 14 अप्रैल के बाद होगा। गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इन तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शनि आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु और सूर्य पहले तो ये छठे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद 22 तारीख को सप्तम भाव में और सूर्य 14 तारीख को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 6 तारीख को और मंगल आपके जो है भाग्य के घर में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि में केतु का गोचर रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के बारे में और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र जो है तुला राशि के भी स्वामी है और वृषभ राशि के भी स्वामी है। दोनों के स्वामी शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और ये अप्रैल में 6 तारीख तक गोचर करेंगे। मार्च से ये गोचर कर रहे हैं। तो राहु के साथ शुक्र जो है ये चारित्रिक दोष बनाता है और सप्तम भाव में ये तो और ज्यादा नुकसानदायक होता है। इस कारण से 6 तारीख तक की स्थिति तो ये बहुत ही खराब है। कहीं ना कहीं जो है स्त्री वर्ग से लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, कोई आरोप लग सकता है, विवाद हो सकता है। तो 6 अप्रैल तक ये स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से शुक्र यहाँ पर प्रभाव डालने का काम करेंगे, बुरा प्रभाव डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद शुक्र जो है अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में 6 अप्रैल के बाद गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में भी शुक्र के उतने अच्छे फल नहीं देखने को मिलते हैं, मिले जुले फल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब मिले जुले फल कैसे रहेंगे, जैसे ससुराल पक्ष के संबंध जो है वो ठीक ठाक रहेंगे, कोई विशेष वहां पर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा फिर ज्यादा होगा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आलस्य भी आपको आएगी। तो ये स्थितियां जो है अप्रैल के महीने में बनी रहेगी। यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में क्या करता है, गुप्त धन भी कई बार दे देता है, रिकवरी करवा देता है और धन की स्थिति को मजबूत बना देता है। गलत तरीके से जो है धन देने का काम करता है। तो धन की स्थिति के लिए ठीक ठाक है, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और स्त्री वर्ग से भी थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा कि कोई गलत आरोप ना लग जाए, कोई विवाद ना हो जाए जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। शुक्र जो है अष्टम के भी मालिक है और आपकी राशि के भी स्वामी है और राशि में केतु पहले से ही विराजमान है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, भ्रमित करते हैं और डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। तो केतु यहाँ पर लगन भाव में उतने अच्छे नहीं माने जाते। उसके बाद यदि हम बात करें धन के बारे में, धन के जो मालिक है वो मंगल है और मंगल आपके विवाह के भी मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक, और मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध के घर में मंगल बैठे हैं और मंगल के घर में बुध बैठे हैं, तो एक राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जब भी भाग्य का मालिक सप्तम में बैठ जाए और सप्तम का मालिक भाग्य में बैठ जाए तो प्रेम विवाह का योग बनता है। कहीं ना कहीं
स्त्री वर्ग से जुड़ाव होगा, लगाव होगा, किसी स्त्री के संपर्क में आप आ सकते हैं, तो ये स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वही जो है मंगल धन के मालिक है और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य से धन देने का काम करेंगे। आप कम मेहनत करोगे, सफलताएं आपको अच्छी मिल जाएगी, हो सकता है कोई रिकवरी आ जाए, किसी को यदि आपने पैसा दिया था और वो मिलने वाला नहीं था तो मिल सकता है, ये भी स्थिति बन सकती है। भाग्य आपका साथ देगा, सपोर्ट करेगा, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए मंगल कहीं ना कहीं लाभदायक रहेंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उन लोगों का विवाह का योग भी बनेगा। तो अप्रैल की स्थिति यदि देखें मंगल की, तो मंगल आपके लिए लाभदायक है और मंगल भाग्य भाव में बैठ करके इनकी चौथी दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, तो विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और वही इनकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देंगे। यदि आप खेती का काम करते हैं, स्टोन का काम करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, पुलिस में है, फौज में है, आर्मी में है, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं यदि इन क्षेत्रों में आप यदि कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी है और मंगल अष्टम दृष्टि से आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं। और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। तो यदि आप अप्रैल के महीने में भूमि खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान का निर्माण का काम चालू करना चाहते हैं या आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, योग बन रहा है, हो सकता है कि आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये स्थिति भी आपकी जन्म पत्रिका में बढ़िया है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं पैदा होंगी क्योंकि राहु के साथ शुक्र यहाँ पर विराजमान है और बुध भी यहाँ पर विराजमान है, तो थोड़ी हल्की फुल्की समस्याएं देने का काम यहाँ पर करने वाले, तो थोड़ा कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। तीसरे भाव के मालिक आपके गुरु है और गुरु आपके छठे भाव के भी मालिक है, क्योंकि गुरु के पास दो राशियां, नौ नंबर धनु राशि, मीन राशि जो कि बारहवें नंबर की राशि है, और गुरु जो है अपने ही राशि मीन राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में गुरु का गोचर मिले जुले फल देने का काम करता है। यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम भी नहीं देखने को मिलते और उतने खराब भी परिणाम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये स्वराशि में गोचर कर रहे हैं लगभग एक वर्ष से। अब जो है ये सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं 1 अप्रैल से और 3 मई तक, तो विशेष रूप से गुरु के फल देखने को आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ना ही अच्छे फल मिलेंगे और ना ही ज्यादा बुरे फल मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रह निर्बल रहेगा। गुरु जो है छठे भाव में 22 अप्रैल 2023 तक रहेंगे, संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, उसके बाद जो है ये मेष राशि में चले जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में वैसे तो गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कारक है, विवाह कारक है, लेकिन यहाँ पर ये अप्रैल के महीने में सूर्य से अस्त रहेंगे, निर्बल रहेंगे और राहु के साथ चांडाल दोष भी बनाएंगे, इस कारण से वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे। यदि आपका विवाह जुड़ गया है और विवाह नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं टूटने की आशंकाएं रह सकती हैं, विवाह जोड़ने में समस्याएं पैदा करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे, इसलिए विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। गुरु यहाँ पर कारक माने जाते हैं तो उतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी राहु के साथ चांडाल दोष बना रहे हैं, इस कारण से समस्याएं बनेगी, कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अब गुरु सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो पांचवी दृष्टि से ये जो है देखेंगे लाभ भाव में, लाभ भाव में देखेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, हालांकि उतना लाभ नहीं करेंगे क्योंकि ये निर्बल रहेंगे। लग्न भाव को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे और ये पराक्रम भाव को देखेंगे तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। तो गुरु उतना मजबूत नहीं है, उतने अच्छे फल देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मिले जुले फल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक शनि है क्योंकि मकर राशि शनि की होती है, 10 नंबर और 11 नंबर दोनों के स्वामी शनि। शनि पंचम भाव में विराजमान है अपनी ही राशि कुंभ राशि में और यहाँ पर शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। वैसे तो उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में ही अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन वो स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और त्रिकोण वाले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाव भी अच्छा है और अपनी राशि में भी गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे, चौथे भाव के मालिक है, चौथा भाव भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का होता है, तो भूमि और प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो,
गाड़ी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, तो ये योग बनेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम विवाह का होता है। तो शिक्षा के लिए शनि अच्छे हैं, संतान के लिए अच्छे हैं, प्रेम विवाह का योग भी बनाने का काम करेंगे। तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो सूर्य जो है आपके छठे भाव में विराजमान है और सूर्य लाभ के मालिक है। तो लाभ का मालिक जब छठे भाव में गोचर करे और सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। तो सूर्य 14 तारीख तक तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नौकरी भी देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए अच्छे माने जाते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करने का काम करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में यदि नौकरी के तलाश में है या नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये योग बनेगा, अप्रैल के महीने में आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा समय है, सूर्य आपको लाभ देने का काम करेंगे। कब तक? 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सूर्य सप्तम भाव में जब गोचर करेंगे तो उच्च राशि में गोचर करेंगे और उच्च राशि में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन भाव सूर्य के लिए अच्छा नहीं है। सप्तम भाव में सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता है, इस कारण से वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि राहु भी अलगाववादी ग्रह है और सूर्य भी अलगाववादी ग्रह है, दोनों जो है वैवाहिक जीवन में गोचर करने वाले हैं। तो इस कारण से वैवाहिक जीवन में ये समस्या पैदा करने का काम करेंगे। तो कंप्रोमाइज करके आपको चलना है, और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी समस्याएं पैदा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अप्रैल के महीने में 14 तारीख के बाद ध्यान रखना है। पत्नी के साथ संबंध मधुर बना करके चलने की जरूरत रहेगी और कटु वाणी का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य जो है उतने अच्छे परिणाम 14 तारीख के बाद नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। तो वैसे ही उच्च के भी हैं तो फिर भी निर्बल हो जाएंगे, इस कारण से विशेष रूप से सूर्य के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो 14 तारीख तक अच्छा है, 14 तारीख तक आप जो है कुछ भी काम करना चाहते हो लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें आपके शुक्र के बारे में, शुक्र जो है आपके मालिक है लगन के और अष्टम भाव के, जो कि मैंने बताया कि शुक्र सप्तम भाव में तो अच्छे गोचर नहीं करते हैं, अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन अष्टम भाव में मिले जुले फल देने का काम करेंगे। इसके बाद हमने बुध के बारे में जाना कि बुध जो है आपके भाग्य के मालिक है और विदेश भाव के 12वें भाव के मालिक है, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन ये राहु के साथ भी रहेंगे तो फिर भी ये कुछ अच्छे परिणाम, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, मंगल के घर में बुध और बुध के घर में मंगल, परिवर्तन राजयोग होने के कारण भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य अच्छा रहेगा, विदेश के योग बनेंगे, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वीजा बनवा सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी है, तो बुध आपको लाभ देने का काम करेंगे, बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी रहेगी। वही उसके बाद यदि हम बात करें आपके नौकरी वाले भाव के बारे में, व्यापार वाले भाव के बारे में, यहाँ के मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये 56 घंटे में जो है राशि परिवर्तन करते हैं, 2.25 दिन में, इस कारण से शुभ भाव में गोचर करेंगे तो 2 दिन तक शुभ रिजल्ट देने का काम करेंगे, मन आपका बढ़िया रहेगा, खुशी रहेंगे आप, और बुरे भाव में या पाप ग्रहों के साथ गोचर करेंगे तो मन खराब रहेगा, मानसिक टेंशन देंगे, छोटी छोटी बातों में चिंता करने का काम करेंगे। तो चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी तो कैरियर आपका ठीक रहेगा, व्यापार आपका ठीक रहेगा, नौकरी और व्यापार में कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। लाभ के मालिक सूर्य 14 तारीख तक आपको लाभ देने का काम करेंगे। और व्यय की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से ज्यादा खर्चे की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है, सामान्य आपके जो जैसे खर्चे थे वैसे ही खर्चे रहने वाले हैं। तो विशेष रूप से यदि हम बात करें तो राहु जो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है, राहु के लिए भी उपाय कर सकते हो, शुक्र का उपाय कर सकते हो। शुक्र के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए, एक ओपल डबल फायर ओपल रत्न धारण करिए, जिससे कि आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिले। दर्शकों ये एक सामान्य फलादेश है, राशि चंद्र राशि के आधार पर यह फलादेश किया गया है। यदि आप कुंडली का सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण करके करवा करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं।
और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।